हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बढ़िया होंगे ठीक होंगे सब चंगा ही होगा है ना बता दो यार कैसे हो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू एवरीवन बढ़िया हो क्या सब लोग ठीक हो रिजल्ट आ गया तुम्हारा पास हो गए हो सब लोग चलो तो सेशन स्टार्ट

आई होप सबका रिजल्ट अच्छा ही आया होगा तभी मेंस क्लास में हो एंड जो हमारी एक लेगेसी चलती आ रही है ना एस की हम लोगों ने ऑलमोस्ट थर्टी ऑलमोस्ट नहीं थर्टी टू क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं आज हमारी थर्टी थर्ड क्लास है इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट कि हम लोगों ने इतना रेगुलरली काम किया इतनी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस कंप्लीट की हैं आपने भी और मैंने भी और अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको और अच्छे से कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँ और एग्जामिनेशन लेवल कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँ एंड बहुत सारे धमाके आपके अगले वीक में यानी कि अब से होने वाले हैं है ना एस बी आई क्लर्क पार होगा और यहीं से होगा कहीं और जाने की जरूरत तो आप, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको ये बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में नहीं डालना है कि मैम हम लोग क्लास कर रहे हैं नहीं अगर क्लास के मोटिव से बैठोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे सोचो कि हम मॉक कर रहे हैं हम लोग एग्जाम में बैठे चलो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन जो मेरा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है उसके प्राइसेस 12 मंथ्स के ट्रिपल नाइन ट्वेंटी 24 मंथ्स के वन सेवन डबल नाइन है और बोनस इसमें क्या है अगर आपको इफ यू बाय दिस कोर्स यू विल गेट एक्सेस टू हर्षल सर्स क्रिटिकल रीजनिंग कोर्स वर्थ रुपीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर का क्रिटिकल रीजनिंग का एनुअल कोर्स इसके अंदर फ्री में मिलेगा ठीक है जी शार्क कोड लगा लेना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो पेड़ पे भी जुड़ जाना आज का पहला क्वेश्चन हमारा आएगा जिस जिस टॉपिक से मैक्सिमम जनता डरती है जिस टॉपिक से मैक्सिमम जनता डरती है वो क्या टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग जितने रेगुलर बच्चे हैं मुझे विश्वास है तुम करके दिखाओगे जितने नए बच्चे आए हैं मुझे विश्वास है तुम ट्राई जरूर करोगे तो ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जल्दी से लॉजिक्स बताएंगे सब लोग अल्फाबेट इक्वल्स टू नेक्स्ट लेटर ऑफ स्टार्टिंग का लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर प्लस वन अल्फाबेट देख लिया आप लोगों ने अब निकालेंगे नंबर नंबर कैसे आ रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल्स टू नंबर सिंबल पहले का आंसर डी पहला सिर्फ एक चीज निकालने से हो गया क्या इफ यू वॉन्ट मैं आपको क्वेश्चन भी शो कर सकती हूं ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने सिंबल का कोड बताइए सिंबल कैसे आ रहा है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से आ रहा है सिंबल डी इज द पॉसिबल आंसर ठीक है ये थर्ड क्वेश्चन है स्टमक स्टमक कैसे होगा चलो तो आप सभी लोगों ने गेस कर ली है चीजें ठीक है एक और इन्फॉर्मेशन क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग बैठे हैं आपके अब से इन सेशंस में जो भी एसपीए क्लर्क के सेशंस हैं वो मैं दो दो घंटे के डेली बेसिस पे लूंगी हमारी क्लास एक घंटे की होती थी सवा घंटे की होती थी बट अब से डेली बेसिस पे दो घंटे की क्लासेस जब तक आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता और डेली क्लासेस में आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे डेली क्लासेज में मैं हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश करूंगी तो डेली क्लासेस में आना ही आना है अगर मेरी क्लासेस आपने कर ली हैं आपको कहीं पे भी और भटकने की जरूरत नहीं है तो सभी लोग रेगुलरली आएंगे मुझसे प्रॉमिस करो आज चलो अब ये है क्या आपके पास कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में आप, आपके पास तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं लेटर नंबर और सिंबल साथ के साथ आपको बताऊंगी एग्जाम में इन चीजों को अप्रोच कैसे करना है जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं देखते जाना कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूं ताकि आप भी एग्जामिनेशन में वही अप्रोच लगा सके है ना क्योंकि पुराने बच्चों को तो आदत हो गई है चलो यहां पर सबसे पहले देखो आप लेटर से भी शुरू कर सकते हो आप नंबर से भी शुरू कर सकते हो आप सिंबल से भी शुरू कर सकते हो आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करेंगे लेटर से शुरू करेंगे और लेटर स्टार्टिंग में लेटर निकालना थोड़ा सा इजी होता है लेटर ना आए तो आप नंबर से स्टार्ट करना सिंबल हो सके तो सेकंड या थर्ड मोमेंट पे आप निकाल लेना ठीक है जी चलो अब यहां पे देखो आपको हमेशा कॉमन चीजें निकालनी है कभी भी आपको कोडिंग डी कोडिंग मिल जाए आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको कॉमन कॉमन चीजें ढूंढ के करना है डेफिनेटली सब कुछ मिल जाता है देखो जैसे यहाँ पे आपके पास हम लोग क्या कॉमन निकालें यू जी एच देखो यहाँ पे यू आया यहाँ पे भी यू आया और कहीं पे यू आ रहा है यहां पे भी यू आ रहा है तो आपके पास तीन जगह यू आया इन तीनों के अंदर ठीक है तीन जगह आपके पास यू आया इन तीनों के अंदर क्या करेंगे कुछ कॉमन कॉमन निकालेंगे कॉमन कॉमन अगर मैं देखूं किसी का फर्स्ट लेटर सेम है क्या जी टी सी एफ एम सी टी पी कंफर्ट का सी और टेबल का टी और टाइम का टी मेरे पास सेम आ रहा है अगले में देखेंगे तो मेरे पास क्या सेम आ रहा है तीनों में मुझे सेम देखना है ना टंग स्टमक एंड फोन मेरे पास टंग का टी कॉमन आ रहा है टंग का टी कॉमन आ रहा है तीनों में एक चीज है जो मेरे पास कॉमन आ रही है विच इज द फर्स्ट लेटर टी दिख रहा है सबको फर्स्ट लेटर टी हो सकता है टी में इसने प्लस वन करके यू बना दिया हो हम टी को यू से रिलेट कर सकते हैं और भी चेक करेंगे ठीक है एक से ही हमें सेटिस्फाई नहीं होना है और चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे देखो आपके पास और क्या कॉमन है सेवन डी फाइव डी सिक्स डी थर्ड वन फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ लाइन में आपको चेक करना है डी से रिलेट करनी है चीजें क्या किसी का फर्स्ट लेटर डी है क्या नहीं है डी के आसपास का कोई लेटर मैम मेरे पास सी आ रहा है मैम मेरे पास सी आ रहा है मेरे पास सी आ रहा है दिखा आपको आसपास का लेटर तो यहां पे हमने देखा कि डी के आसपास का लेटर हमें सी दिख रहा है अब ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट लेटर ही हो आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या किसी का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेकंड लेटर सेकंड लास्ट लेटर मिडल लेटर कोई कॉमन आ रहा है नहीं आएगा तो उसके आसपास के चेक करने हैं जैसे अब आपको दिख रहा है कि डी के आसपास का सी है और यू के आसपास का टी है तो उसने देख लिया कि हमने प्लस वन किया ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है कि वो सेकेंड लेटर दे दे जैसे आई को वो क्या बना दे जे बना दे तो इस तरीके से आप हर एक लेटर को चेक कर करके करेंगे आप प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री भी चेक करेंगे आप ऑपोजिट्स भी चेक करेंगे आप वॉवल्स कॉन्सोनेट्स भी चेक करेंगे ठीक है चलो अब और किसी चीज को रिलेट करें हमने कॉमन कॉमन निकाला एच कॉमन निकल के आ रहा है अपने पास एच कॉमन नहीं निकल रहा आर एक्स क्यू टी एम टी टी भी एक बार आ रहा है एम भी एक बार आ रहा है एच भी नहीं आ रहा और कोई लेटर आई थिंक कॉमन क्यू आ रहा है है ना यहाँ पे क्यू आया यहाँ पे क्यू आया क्यू आया क्यू के आसपास का लेटर एम ए नो पी क्यू आर है ना अगर मैंने देखा कि मैंने प्लस वन किया तो या तो आपके पास पी आना चाहिए या फिर आपके पास आर आना चाहिए आप देख रहे हो मेरे पास प्लैनेट्स भी आ रहा है मेरे पास फोन भी आ रहा है तो क्या होगा इसने फर्स्ट लेटर लिया है उसमें प्लस वन किया है और कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर को हमने लिख दिया है क्या सभी बच्चों को यह चीज क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को यह चीज परफेक्टली क्लियर है कि उसने लेटर कैसे निकाला फर्स्ट लेटर प्लस वन सभी में चेक कर लो अब जी में प्लस वन करेंगे ई एफ जी एच T U C D F G आगे भी चेक कर लो M के बाद सॉरी M के बाद N C के बाद D T के बाद U एंड P के बाद Q परफेक्ट T के बाद U S के बाद T P के बाद P के बाद M N O P Q Q और L के बाद M चार्ज में C के बाद D W के बाद W X B C क्यू आर तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड का कौन सा कोड है अगर मैं आपको बोलूं मुझे यहां पे प्लैनेट का कोड दो तो आप क्या बोलोगे मैम प्लैनेट का कोड क्या आ जाएगा परसेंटेज क्यू इस तरीके से आप मुझे कोड्स दे सकते हो अब एक चीज मैंने निकाली आप चेक करेंगे क्या किसी का कोड आ पा रहा है क्या देखो लाइट आपके पास यहां पर था. था एल में आपने क्या किया प्लस वन किया यानी कि एम बनाया लाइट का कोड आपके पास क्या आ गया एंड फाइव एम क्या आ गया आपके पास एंड फाइव एम तो यहाँ पे एक लेटर निकालने से हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है एग्जामिनेशन में चाहे एक नंबर निकल जाए आपके पास चाहे लेटर निकल जाए चाहे सिंबल निकल जाए चाहे दो चीजें निकल जाए आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को चेक करना है क्या एक भी क्वेश्चन बन पा रहा है क्या अगर एक भी क्वेश्चन बन गया तो मोटिवेशन अलग लेवल पे जाएगी है ना क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन चेक नहीं किए तो वह एक क्वेश्चन भी आपके हाथ से जा सकता है अब देखेंगे दिस इज एग्जामिनेशन अप्रोच जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे चेक करो अब डी है, है ना एंड सिक्स डी कहीं पे आ रहा था क्या and 6d अगर मैं यहाँ पे देखूं and 6d मेरे पास था किसका चार्ज का बट नीचे चार्ज नहीं दिख रहा अगर मैं वर्ड के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को फर्स्ट लेटर सी चाहिए इसमें सबका फर्स्ट लेटर सी आ रहा है मतलब सारे ही प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं है ना अभी मेरे को नहीं पता क्या होगा जब हम लेटर सिंबल नंबर सिंबल निकाल लेंगे तो हम कर सकते हैं स्टमक का अगर मैं देखूं तो स्टमक का मेरे पास ऊपर आ गया था बाद क्या आता है टी परसेंटेज दो क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो गए जो आपके बिना किसी चीज के लेटर सिर्फ और सिर्फ लेटर को निकाल के सॉल्व हो रहे हैं तो तीन में से दो नंबर आपके दिस इज द एग्जामिनेशन अप्रोच अब हम क्या करेंगे नंबर करेंगे जब भी नंबर देखना होता है सबसे पहली चीज क्या करनी होती है सबसे पहली चीज आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेंगे ना तो उसके आसपास का भी मिल सकता है और नंबर ऑफ लेटर्स का भी नंबर आपको मिल सकता है जैसे अगर मैं कॉमन निकालू ठीक है अगर मैं कॉमन निकालू तो मेरे पास यहां पे देखोगे सेवन आ रहा है आ 7 आ रहा रहा है है ठीक है तीन बार सेवन आया और ये डी किसका था कंफर्ट का ये क्यू किसका था एम एमेनोपिक क्यू प्लान का और ये सेवन टी किसका था स्टमक का था नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ लेटर्स देखो एक दो तीन चार पांच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात हो गए क्या नंबर ऑफ लेटर्स सात है कॉमन हमने निकाल लिया तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसने उतना नंबर पे लगाया और कुछ कॉमन निकालो फाइव निकाला फाइव 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 सब बहुत सारे फाइव हैं बहुत सारे फाइव हैं यहाँ पे देखो गिवन में फाइव नंबर ऑफ लेटर्स है ये गिवन का कोड था यू किसका था टेबल का फाइव नंबर ऑफ लेटर्स है डी किसका था डी था अपने पास फाइव डी है ना डी था चेयर का नंबर ऑफ लेटर्स है उसके बाद क्यू था यानी कि फोन में नंबर ऑफ लेटर्स फाइव है उसके बाद आर था क्वीन में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं फाइव हैं तो हमने कॉमन निकाला और कॉमन के अकॉर्डिंग मुझे कोड भी पता था इसलिए हमने क्या किया नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेटर्स समझ में आया अब लाइट में फाइव थे तो नंबर ऑफ लेटर्स फाइव आए सिक्स नंबर ऑफ लेटर चाहिए तो क्लियर तो नहीं होगा बाकी दोनों आ सकते हैं अगर स्टमक की बात करूं स्टमक में नंबर ऑफ लेटर्स सेवन है तो सेवन आया ठीक है तो यहां पे अभी भी दो क्वेश्चन ही बने हैं नंबर भी निकाल के अब अपन निकालेंगे सिंबल सिंबल कैसे निकालेंगे सिंबल भी कॉमन कॉमन करके निकालेंगे आपको सिंबल कुछ कुछ प्रकार के दिख रहे हैं जैसे सिंबल में आपके पास है रेट परसेंटेज एंड चार तरीके के सिंबल हैं सिंबल हम कैसे निकालते हैं सिंबल हम कैसे निकालते हैं सबसे पहले कॉमन कॉमन निकालेंगे जैसे आपके पास यहां पे दो बार एट द रेट आया ठीक है एक लाइन में दो बार आ गया तो यहां से निकल सकता है यहां पे तीन बार हैश आया मतलब इस लाइन से आपको पता चल जाएगा हैश का मतलब क्या है परफेक्ट अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूं नंबर नंबर ऑफ ऑफ लेटर्स लेटर्स की बात करूं तो यहां पे सब में सेम नहीं है जो मैं हैश लगा दूं ठीक है आप क्या कर सकते हैं नंबर 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 ऑफ 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 लेटर्स वॉवल्स या फिर फर्स्ट लेटर के रिस्पेक्ट में देख सकते हो सेकेंड लेटर के रिस्पेक्ट में देख सकते हो ये सब लॉजिक्स लगते हैं परफेक्ट तो अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास एट द रेट एट द रेट आया किसमें यू में, में यानी कि टाइम में आया और जी में यानी कि इसमें आया टाइम और फोर में मैं वॉवल की बात करूं तो नंबर ऑफ वॉवल दो है नंबर ऑफ वॉवल एक है वॉवल से नहीं होगा मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट दो है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट दो है और इनका कोई भी ऐसा लेटर नहीं था जो मेरे पास कॉमन में आ रहा है कोई भी लेटर नहीं था ना जो कॉमन में आ रहा है इसलिए हम लोगों ने नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट नंबर ऑफ वॉवल वाला लॉजिक लगाया दो कॉन्सोनेंट आए हो सकता है दो कॉन्सोनेंट पे उसने एट द रेट लगा दिया हो अगर मैं हैश की बात करूँ हैश हमारे पास टेबल पर आ रहा है ये टेबल का कोड है एन मतलब मोबाइल का कोड है और फाइव का मतलब चेयर का कोड है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात करेंगे एक दो तीन तीन कॉन्सोनेंट आए एक दो तीन कॉन्सोनेंट आए एक दो तीन कॉन्सोनेंट आए क्या आपके पास तीन कॉन्सोनेंट आए गया तीन कॉन्सोनेंट आने पे उसने हैशटैग लगाया इसको आप कैसे कर सकते हो चेक कैसे करेंगे चेक हैशटैग टैग फाइव एच से एच किसका कोड था गिवन का कितने कॉन्सोनेंट है तीन कॉन्सोनेंट है हैशटैग आया और किस पे आ रहा है 5 q पे फोन में देख लो तीन कॉन्सोनेंट है क्या आया q हैशटैग आया 6 u में देख लो u का मतलब अपने पास क्या था t टंग में कितने कॉन्सोनेंट है तीन कॉन्सोनेंट है हैशटैग आया 4 x में देख लो विंड में कितने कॉन्सोनेंट है तीन कॉन्सोनेंट है हैशटैग आया ठीक है तो इसने किसके अकॉर्डिंग लिया है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग लिया है सिंबल सिंबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेट्स नंबर ऑफ कॉन्सोनेट्स अगर अपने पास दो है तो उसने लगा दिया एट द रेट तीन है तो उसने लगा दिया हैश टैग अब एट द रेटो यहाँ पे भी दो बार आ रहा है किस किस में आया बोट में आया और आर मतलब क्वीन में आया नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट दो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्यू और एन दो, दो कॉन्सोनेंट है तो एट द रेट आया ठीक है अब अपने पास बचता है परसेंटेज कंफर्ट में कितने कॉन्सोनेंट हैं एक दो तीन चार पांच इधर भी आया प्लैनेट में कितने कॉन्सोनेंट हैं एक दो तीन चार पांच यहाँ पे भी आया स्टमक में कितने कॉन्सोनेंट हैं एक दो तीन चार पांच अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पांच है तो हमने लगाया परसेंटेज बच गया एंड एंड किस में आया एल एम पे कॉन्सोनेंट कितने हैं एक दो तीन चार कॉन्सोनेंट कितने हैं एक दो तीन चार और अगर चार कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या लगा दिया एंड लगा दिया एक बार सभी लोग बताएंगे क्या आपको कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ दिख रही है चीजें या नहीं दिख रही हैं सभी लोग बताएंगे यस yes, मैम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है अब लाइट में हमने लगा लिया था बात आती है कोड की एंड सिक्स डी की एंड किसमें लगाया था नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स चार में इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं एक दो तीन चार कितने है? एक दो तीन चार दोनों में चार है तो प्रॉबेबल आंसर दोनों ही हो सकते हैं सॉरी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं ठीक है डन विद इन वन मिनट मजा आ गया ये डेली वाले बच्चे है ना जो दिल खुश कर देते हैं स्टमक में अपने पास परसेंटेज आया था क्योंकि फाइव नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट थे मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करते जाना ठीक है लाइक जरूर करते जाओ सेशन को अगला क्वेश्चन हमारा है सिलॉग्स का रिवर्स सिलॉग्स जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे रिवर्स सिलॉग सीखा है गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इधर ऑप्शन होता तो फिर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते ना फिर इधर वन और टू हो जाता ठीक है दोनों सेटिस्फाई करें फिर बोथ नहीं आना चाहिए था ऑप्शन में चलो यहाँ पे अपने को क्या बोलता है हमें ऐसा देखना है व्हिच वन ऑफ द देम लॉजिकली फॉलोस कौन से लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं अब रिवर्स सिलॉक्स की खास बात क्या होती है अपने को यहां से कुछ-कुछ खेल खेलना पड़ता है ये दोनों जो है डेफिनेट कंक्लूजंस हैं ये क्लैक नहीं है क्लॉक होगा है ना दोनों डेफिनेट कंक्लूजंस हैं और इनडेफिनेट कंक्लूजंस के अकॉर्डिंग अपन अपना आंसर बना सकते हैं जैसे इसने अगर बोला है नो प्लग इज वॉच कोई भी प्लग जो है वो वॉच नहीं है तो आपके पास कोई भी ऑल से रिलेटेड सम से रिलेटेड यानी कि कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट में चीजें नहीं आनी चाहिए क्योंकि प्लग और वॉच में दोनों में नेगेटिव रिलेशन है अगर प्लग और वॉच में आपके पास रिलेशन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे रिवर्स लॉग्स में अपन काम करेंगे द पावर ऑफ एलिमिनेशन से द मेथड ऑफ एलिमिनेशन से प्लग और वॉच में देखो प्लग और लेंस आ रहा है वॉच के साथ कहीं पे भी नहीं है प्लग और लेंस है प्लग और क्लॉक है वॉच वॉच और प्लग है वायसे वर्सा हो सकता है वॉच और प्लग भी हो सकता है तो इससे कोई भी कंक्लूजन कैंसिल नहीं हुआ अगला बोलता है सम क्लॉक आर लेंस यानी कि अपने पास जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है तो आपके पास कोई भी नो की स्टेटमेंट सम नॉट की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए क्यों नेगेटिव स्टेटमेंट हम लोग नहीं लेंगे जब कंक्लूजन अपने पास पॉजिटिव है. तो अपने को क्लॉक और लेंस में देखना है ठीक है कहीं पे क्लॉक और लेंस आ रहा है आपके पास क्लॉक और लेंस कहीं पे भी नहीं आ रहा तो मतलब अभी तक कोई भी चीज अपने पास watch clock, clock lens, अपने पास कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ आपने कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट किए थे बताओ कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट किए थे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं यहां पे वर्ड यूज हुआ ओनली ओनली प्लग आर लेंस यानी कि सारे के सारे लेंस प्लग होंगे और लेंस का कभी भी प्लग के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा तो क्लॉक के साथ हो सकता है क्या नहीं हो सकता मैम कैंसल आउट कर दो एक चीज हम लोगों ने एलिमिनेट कर दी एक चीज हम लोगों ने एलिमिनेट कर दी है क्या सबको समझ में आ रहा है चलो सिर्फ यही हो रहा है अगला देखेंगे कैसे जिन लोगों ने भी मुझसे पेड़ में रिवर्स पढ़ा है उनको पता है हम लोग इमेजिनेशन से करते हैं है ना इमेजिनेशन से कैसे करते हैं हम लोग ऑल प्लग आर लेंस सारे के सारे प्लग जो हैं वो लेंस हैं और कोई भी प्लग क्लॉक नहीं है मुझे चाहिए क्लॉक और लेंस ठीक है क्लॉक और लेंस ऑल प्लग आर लेंस एंड नो प्लग क्लॉक क्या लेंस और क्लॉक में आपको सम का रिलेशन दिख रहा है क्या सारे के सारे प्लग लेंस हैं और कोई भी प्लग क्लॉक नहीं है लेंस यहाँ रह गया क्लॉक यहां पे रह गया डेफिनेट चीज आपको दिखी नहीं दिखी मैम क्या हो गया कैंसल हो गया इमेजिन करो इमेजिन समझ में आएगा सबको बिना लिखे अब आगे देखो ऑल प्लग आर लेंस सम प्लग आर क्लॉक सारे प्लग लेंस हैं और कुछ प्लग क्लॉक हैं तो सम क्लॉक आर लेंस यहां से जस्टिफाई हो रहा है अब मुझे देखना है नो प्लग इज वॉच हमारे पास रिलेशन कहां से आता है सम प्लग आर क्लॉक एंड सम यहां से देखेंगे uh. मुझे रिलेशन देखना है किसका प्लग और वॉच का ना तो प्लग और वॉच का रिलेशन कहां से आएगा लेंस से आएगा ऑल प्लग आर लेंस सम लेंस आर वॉच क्या कोई भी नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है क्या आपको प्लग और वॉच में प्लग और वॉच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन दिखा क्या ऑल प्लग आर लेंस सम वॉच नहीं दिखा मैम थर्ड भी एलिमिनेट कर दिया समझ में आ रहा है क्या सबको बताओ जल्दी बताओ तीन एलिमिनेट किए अगला क्या है हमें देखना है किसमें प्लग और वॉच में सम प्लग आर लेंस सम लेंस आर वॉच क्या कोई भी नेगेटिव रिलेशन दिखा क्या प्लग में और वॉच में नहीं मैम ऑप्शन कौन सा बचा फिफ्थ फिफ्थ ही आपका सही हो जाएगा बना के देख लेना दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आई गारंटी यू ऐसा आपको कोई नहीं सिखाएगा जितने लोग भी मुझसे पढ़े रिवर्सलॉग्स उनको पता होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से चीजों को किया था राइट right? जितने नए स्टूडेंट्स हैं समझ में आ रहा है क्या आपको हर चीज लिखकर नहीं देखनी होती आपको हर चीज जरूरी नहीं है कि नोट कर करके देखनी है चीजें कुछ कुछ पढ़कर कुछ कुछ इमेजिन करके भी हो जाती हैं। अब आप बोलो कि मैम मेंस में हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते तो जो पुराने बच्चे हैं उनसे पूछ कर देखो इमेजिन होता है ठीक है फोर्थ में डायरेक्ट गिवन है क्या डायरेक्ट गिवन है फोर्थ में ये गिवन है तो वायसे वर्षा तो पॉसिबल होता है ना वायसे वर्षा तो पॉसिबल होता है ना चलो अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया आपको पॉसिबिलिटी वाले से मत करना डेफिनेट से करना क्योंकि पॉसिबिलिटी में इमेजिनेशन काम नहीं करेगी आपकी बी आया आंसर देखो डेफिनेट से देखेंगे डेफिनेट से क्या देखेंगे नो वर्ल्ड कप इज रणजी यानी कि वर्ल्ड कप और रणजी के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए क्या कहीं पे आपको डायरेक्ट गिवन है क्या वर्ल्ड कप और रणजी के अंदर रिलेशन डायरेक्ट नहीं गिवन मतलब इनडायरेक्ट उठाना पड़ेगा जैसे यहां से देखेंगे वर्ल्ड कप और रणजी यहां से कनेक्ट होगा पूरा नेगेटिव चाहिए कुछ वर्ल्ड कप टी और कोई भी टी ट्वेंटी रंजी नहीं है क्या वर्ल्ड कप और रणजी के अंदर आपको कोई भी पूरा नेगेटिव रिलेशन दिखा नहीं दिखा इमेजिन किया सबने नहीं दिखा मैम तो पहली स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती आगे आ जाओ अपने पास क्या है से, फिर से वही स्टेटमेंट है कैंसिल क्योंकि हमने ये चीज अभी अभी देखी है तो मैम हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी कैंसिल आउट हो जाएगी अब बोलता है ऑल वर्ल्ड कप आर टी ट्वेंटी एंड नो टी ट्वेंटी इज रणजी सारे वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी और कोई भी टी ट्वेंटी रंजी नहीं है मतलब वर्ल्ड कप भी रणजी नहीं होगा ये सेटिसफाई करता है आगे आ जाओ नो वर्ल्ड कप इज टी ट्वेंटी एंड समी ट्वेंटी या रंजी सेटिस्फाई करेगा क्या नहीं करेगा ना सम नॉट का रिलेशन आएगा नो no का रिलेशन नहीं आएगा सेम इसमें है तो आपके पास क्या बचता है ओनली आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ओनली स्टेटमेंट थर्ड क्या सभी लोगों ने इसको ऐसे ही किया था क्या जितने भी नए स्टूडेंट हैं, एक बार बता दो मैम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगला देखो नहीं आ रहा है समझ में मिस कोको डेली क्लासेस में आओ समझ में आने लगेगा जैसे आप बनाकर देखते हो वैसे आप इमेजिन करके देखो Question तो पढ़ो शुभम कुमार जी रिवर्स लॉजिज्म समझ नहीं आता क्या ये बोल रहे हो आप लोग मैं डेली क्लासेस में लेके आती हूं लॉग्स आएगा समझ में डेली आओ मेरी क्लासेस में पक्का समझ में आएगा ये क्वेश्चन समझ नहीं आया क्वेश्चन में क्या बोलता है हमें ये देखना है चूज द सेट इन विच थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिडक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स थर्ड स्टेटमेंट अपने को लॉजिकली डिडक्ट करनी है फर्स्ट टू स्टेटमेंट से मतलब आपको ऑप्शन से काम लेना पड़ेगा ये दो आपकी स्टेटमेंट होंगी ये कंक्लूजन होगा ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन इसने ये बोला क्वेश्चन के अंदर और हमें बताना है कौन सा सही है तो इसको ऑप्शन से करके देखना पड़ेगा ठीक है चलो हर्षल सर से करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग सुभादीप जी हर्षल सर आपको पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे पढ़ो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फोर्थ और फिफ्थ फोर्थ और फिफ्थ अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊँ तो मुझे कंक्लूजन निकालना पड़ेगा डॉग और एनिमल का ध्यान से देखो ध्यान से ये एलिमिनेशन मेथड लगेगा आपके पास स्टेटमेंट में है पैरेट बर्ड पैरेट एनिमल और आपको कंक्लूजन में चाहिए ऑल डॉग आर एनिमल ये दो स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन है क्या आपको कहीं पे भी इन दो स्टेटमेंट में डॉग दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा तो पहला आंसर तो नहीं होगा ठीक है जी सेकंड में आ जाओ इन दो स्टेटमेंट से आपको यह कंक्लूजन निकालना है आपको चाहिए पैरेट और एनिमल कंक्लूजन में क्या ऊपर कहीं पे पैरेट आ रहा है क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में मैम पैरेट तो नहीं आया सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई कैंसल आउट हो गई अब समझ में आ रहा है क्या एलिमिनेशन इन दोनों को स्टेटमेंट समझना है कंक्लूजन समझना है जब स्टेटमेंट में ही नहीं होगा स्टेटमेंट में ही नहीं होगा कुछ तो कंक्लूजन में कैसे आ जाएगा जब स्टेटमेंट में ही जब अपने पास स्टेटमेंट में ही पैरट नहीं होगा तो कंक्लूजन में पैरट कहां से आ जाएगा नहीं आएगा सी से करके देखो थर्ड फोर्थ को स्टेटमेंट लेना है और सेकेंड को क्या लेना है कंक्लूजन uh, लेना है थर्ड और फोर्थ देखो अपने को चाहिए पैरट एनिमल पैरट बर्ड और बोलता क्या है एनिमल और बर्ड यानी कि इसको बनाकर देखना पड़ेगा क्योंकि एनिमल और बर्ड दोनों अपने पास आ रहे हैं बोलता है सम पैरट कुछ एनिमल जो है वो बर्ड है क्या कुछ एनिमल बर्ड है क्या कुछ एनिमल बर्ड नहीं है कंक्लूजन कैसे कृष्णा जी यहाँ पे बोला गया है लॉजिकली डिड्यूस करना है मतलब थर्ड स्टेटमेंट को आपको क्या लेना है कंक्लूजन लेना है और फर्स्ट टू को क्या लेना है स्टेटमेंट्स लेना है फर्स्ट टू को स्टेटमेंट थर्ड को कंक्लूजन फर्स्ट टू को स्टेटमेंट्स थर्ड को कंक्लूजन फर्स्ट टू को स्टेटमेंट्स कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन ये बोला गया है आई होप समझ में आ गया होगा ठीक है ओके okay जी चलो अब थर्ड देख फोर्थ देखेंगे, फोर्थ देखेंगे में अपने पास है सेकंड और थर्ड को स्टेटमेंट बनाना है यानी कि ये दोनों को स्टेटमेंट बनाना है और ये कंक्लूजन निकालना है स्टेटमेंट बना के देख लो कुछ एनिमल बर्ड है और कुछ पैरेट एनिमल नहीं है ठीक है वो बोलता है नो पैर इज बर्ड क्या आपको पैरट और बर्ड में कोई भी रिलेशन दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा मतलब आंसर क्या हो जाएगा None of these. अच्छा English नहीं आता really sorry. English अगर आपको नहीं आता तो आपको हिंदी में चीज दी गई है ना इतनी डॉग और एनिमल की इंग्लिश तो आती होगी आपको ध्रुव जी कह रहे हैं मैडम जी एसबीआई क्लर्क में भी हो गया इस साल चार सिलेक्शन ले लिया है लर्निंग नीति और आपसे पढ़कर थैंक यू जी थैंक यू आई गारंटी यू मेरी क्लासेस में आते रहो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट है बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है इसकी भी बहुत यूनिक अप्रोच बताऊँगी जल्दी से करो इसको भी कर सकते हो इंग्लिश नहीं भी आता तो कहाँ लिखा गया है कि इंग्लिश नहीं आता तो ब्रैंक बैंक प्रिपरेशन नहीं कर सकते बेटा इंग्लिश एक सब्जेक्ट है उसको आप सीख लो कहां दिक्कत आएगी मेरे को बताओ एक सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसको तो सीखना ही पड़ेगा ना आपको चलो यहां पे देखो क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड सिलोजिज्म है अपने को बताना है कि ऐसी कितनी स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स को हमें सच मानना है और ऐसे कितने कंक्लूजन हैं जो अपन अगर कंप्लीट करेंगे तो वो लॉजिकली फॉलो हो जाएंगे मतलब सही अपने को आ, दिखेंगे कि सही बन रहे हैं अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये जो चीज़ें आपको गिवन है ऑप्शन के अंदर ये यह आपको यहाँ पर फिलअप करनी है जैसे यहाँ पर बोला गया सम शर्ट्स कैन बी डैश सम शर्ट्स कैन बी ये आपके पास क्या है स्टेटमेंट्स है इससे आप क्या बना लेंगे अपना डायग्राम बना लेंगे और हर एक क्वेश्चन को हर एक ऑप्शन को आप यहां यहां पे पुट करके क्या करेंगे आंसर अपना चेक करेंगे जैसे देखो बोलता है सबसे पहले ऑल शीट्स आर पिलो डायग्राम बना लो ऑल शीट्स आर पिलो सारी के सारी शीट्स जो है वो पिलो है शीट्स सम पिलो आर शर्ट कुछ पिलो शर्ट है ठीक है सम शर्ट आर फ्रेम कुछ शर्ट जो है वो फ्रेम है नो फ्रेम इज स्प्रिंग कोई भी फ्रेम जो है वो स्प्रिंग नहीं है एंड नो स्प्रिंग इज ब्लैंकेट ठीक है सम ब्लैंकेट आर क्विल्ट कुछ ब्लैंकेट जो है वो क्विल्ट हैं। सब लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया मुझे अप्रोच बताएंगे फिर से बताती हूँ इसको पढ़ के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपको पढ़ने के लिए है ना देर आर सम स्टेटमेंट फिर से बताऊंगी इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं बिलो फॉलोड बाई समलूजन कुछ कंक्लूजन है नीचे ऑप्शन से किया ठीक है कैसे किया एक एक को फिल करके किया है सभी को इकट्ठा फिल करके देखा है यू हैव टू टेक द गि स्टेटमेंट टू बी ट्रू आपको स्टेटमेंट्स को सच मानना है इफ दे अपियर टू बी एट वेरियंट्स फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स ठीक है जी मतलब की स्टेटमेंट्स को आपने सही मानना है देन डिसाइड विच ऑफ द ऑप्शन विल कंप्लीट द कंक्लूजन टू मेक दैम लॉजिकली फॉलो अपने को बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो कंप्लीट करेगा इसको लॉजिकली फॉलो करवाने के लिए ठीक है कैसे किया है डायग्राम बनाकर फिर ऑप्शन फिल करके चेक किए हाँ जी यही करना था जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन भरूं इसके अंदर सम शर्ट्स कैन बी क्विल्ट क्विल्ट या क्विल्ट सभी को आपको फिल करना है यहां पे ठीक है

फॉलो करवाएगा इसको अब दूसरा ऑप्शन फिल करके देखो इसके अंदर स्प्रिंग को भर के देखो तीनों में सम शर्ट्स कैन बी स्प्रिंग कुछ शर्ट स्प्रिंग हो सकती हैं हो सकती हैं कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है जीरो परसेंट ब्लैंकेट स्प्रिंग यानी कि कोई भी ब्लैंकेट स्प्रिंग नहीं है हमें डेफिनेटली दिख रहा है तो ये भी फॉलो कर रहा है ऑल फ्रेम्स आर नॉट स्प्रिंग सारे के सारे फ्रेम जो है वो स्प्रिंग नहीं है तो हमें दिख ही रहा है कि सारे के सारे फ्रेम जो है वो स्प्रिंग नहीं है अब आप मेरे को यहाँ पे बोलोगे कि मैम जो स्टेटमेंट होती है वो कभी भी कंक्लूजन नहीं बन सकता तो अगर यहाँ पे लिखा होता नो फ्रेम इज अ स्प्रिंग अगर ऐसे लिखा होता तो हम लोग क्या करते इसको कैंसिल कर देते क्योंकि कभी भी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन नहीं बनती है लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन की जो लाइंस हैं उसमें चेंज दिया गया है मतलब सेकेंड तो फॉलो कर रहा है अगर सेकेंड फॉलो कर रहा है फर्स्ट नहीं फॉलो कर रहा तो आपके पास ऑप्शन एक यही बचेगा एलिमिनेट कर दो बाकी ऑप्शंस को आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है समझ में आया सबको कैसा लगा क्वेश्चन सिलॉग्स का चलो फिर से आ गया आ, अच्छा ये इसी का क्वेश्चन था एम रियली सॉरी ये बीच में लग गया जो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग करी थी ना उसका ये वाला एक और क्वेश्चन है आप लोगों ने डेफिनेटली लिख के तो रखा होगा ना इस क्वेश्चन को भी कर लो गलती से यहां पे लग गया एम रियली सॉरी आपको मेरे कोर्स के साथ सर का कोर्स फ्री मिलेगा इसने पूछा है, हैश टैग फाइव डी का कोड तो हैश टैग फाइव डी का कोड ने यहां से निकाल लिया था किसका था चेयर का था चेयर का ही था ना हाँ तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ठीक है जी चलो अगला क्वेश्चन अपने पास है डेटा सफिशियंसी का हिंदी में आप लोग देख लो फिर इंग्लिश में स्टार्ट करवाती हूँ स्टार्ट करें स्टेटमेंट वन में कुछ एरर है देख देख लेते लेते हैं। हैं। से आंसर आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं देखो। गन्स हैं, नेमली सेवन जो भी गन्स के नाम है, shelf, another, गन के हैं। आर वन द दे रखे तो अपने को बताना है, gun, QBZ. इन दोनों बीच में कितनी गन्स होंगी स्टेटमेंट वन सबसे पहले देखो अपने पास सेवन गन्स हैं ठीक है हमने क्या बना लिया बना लिया सेवन को आगे बोलता है एस वी kept नाइन इज bottom बॉटम एस वी the नाइन and एट द बॉटम एंड सेवन पॉइंट टू सिक्स सेवन पॉइंट टू सिक्स यूज करती है हमने स्टेटमेंट वन से बनाया एक गैप है एम सिक्सटीन और एस वी 98 नाइन एट दोनों अलग हैं क्या हाँ एस वी नाइन और एस वी नाइनटी एट दोनों अलग हैं इनको सेम मत ले लेना ठीक है ठीक है जी तो एस वी नाइनटी एट और एम सिक्सटीन में एक का गैप है ऊपर नीचे कैसे भी आ सकती है और एस वी नाइनटी एट जो है वो फाइव पॉइंट फाइव फोर यूज करती है के फोर्टी सेवन इज के पोजिशन फ्रॉम द टॉप शेल्फ यहां पर आ जाएगी ए के फोर्टी सेवन दिन एट द टॉप शेल्फ फाइव पॉइंट फाइव सिक्स वाली टॉप शेल्फ पे आ जाएगी एम सिक्सटीन विच यूज सेवन पॉइंट टू सिक्स एम ओ ये सेवन पॉइंट टू सिक्स यूज करती है सेवन पॉइंट टू सिक्स टू सॉरी 7.62 यूज करती है इज प्लेस्ड अब एस वी नाइनटी एट से ऊपर आएगी ठीक है तो आप इसको कैसे बना लेंगे इसको कुछ इस तरीके से बना लेंगे एम ऊपर आएगी एस वी नाइनटी एट से ये यूज करती है कितना सेवन पॉइंट सिक्स टू और ये यूज करती है नाइन पॉइंट फाइव पॉइंट फोर फाइव ठीक है आगे बोलता है वी के एस इज केप्ट जस्ट बिलो ए के फोर्टी सेवन परफेक्ट समझ में आया सबको अब देखो यहां पे अपने को दो चीजें लगानी और दोनों में दोनों दोनों, दोनों ब्लॉक अपने को खाली चाहिए खाली चाहिए तो M16 और SV98 नाइनटी यहां पर लग सकती है ये यूज करता है 7.62 और ये यूज करता है कितना 5.45 अपने को किसका बताना है 6.87 और QBZ का अब यहां पे ना तो क्यू बी जेड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना 6.87 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो अलोन वन से आंसर नहीं आ पाएगा अलोन वन से नहीं आएगा तो आइधर और से भी नहीं आएगा ठीक है अलोन वन से नहीं आएगा तो आइधर और से भी नहीं आएगा अब अपन सेकेंड से बना के चेक करते हैं सेकेंड बोलता है क्यू बी जेड इज कैप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम क्यू बी जेड अपन यहां लगा देते हैं थर्ड फ्रॉम द बॉटम एंड जस्ट बिलो एम सिक्सटीन विच यूज ए सेवन पॉइंट सिक्स टू ओके okay, जी मोजिन इज कैप्ट एट द टॉप शेल्फ मोजिन यहां पे आ जाएगी एट अ गैप ऑफ वन फ्रॉम वीके एस वीके एस यहां पर आ जाएगी क्यू क्यूब इज एट यूज सिक्स एंड इज केप्ट एनी प्लेस बिलो ए के फोर्टी सेवन ए के फोर्टी सेवन ऊपर आ जाएगी क्योंकि ये नीचे है एस वी एटी नाइन यूजेज सेवन पॉइंट टू सिक्स एस वी एटी नाइन इज केप्ट एनी प्लेस बिलो एस वी नाइनटी एट एस वी नाइनटी एट sb89 और 89 यूज करती है 7.26 अब मेरे को क्या-क्या चाहिए मेरे को चाहिए 6.87 और qbz 6.87 कहीं पे भी नहीं है लेकिन qbz है तो मतलब सेकंड अलोन से भी आंसर नहीं आएगा अब आप दोनों को मिक्स कर लो मिक्स करने से हमें एक चीज पता चली यहाँ पे qbz आ जाएगा 5.66 आ गया और यहाँ पे मौजिन आ जाएगा तो qbz तो मेरे पास फिक्स हो गया अब मेरे को चाहिए कितना 6.87 पॉइंट एट सेवन यहां पर भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सफिशियंट नहीं है आंसर को क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ठीक है ऑप्शन नंबर डी दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम नहीं डेफिनेट आंसर आ रहा है तो बताओ मेरे को कि कहीं पे आपको ये लग रहा है कि ऐसा बन रहा है लेकिन ऐसा नहीं बन रहा होगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी सभी को समझ में आ गया परफेक्ट अगला क्वेश्चन करेंगे डेटा सफ़िशिएंसी से भी तुम लोग बहुत ज़्यादा डरते हो इसलिए ये क्वेश्चन क्लास में लाने जरूरी होते हैं स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करते हैं ठीक है फाइव पर्संस हैं निमिषा ऋषिता जानवी ऋतिक राज जो कि फाइव डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं और फाइव डिफरेंट उनके पास शूज हैं अब अपने को बताना है हु अमंग द फॉलोइंग गोस टू बीसीईटी बीसीईटी में कौन जाता है नीदर जानवी सबसे पहले नेम लिख लेते हैं निमिषा ऋषिता जानवी ऋतिक एंड राज स्टेटमेंट वन से बना के देखते हैं वन में बोलता है नीदर जानवी नॉर राज गोज टू जी ना तो जानवी जाएगी और ना ही राज जाएगा जानवी डज नॉट हैव एडिडास शूज जानवी के पास एडिडास नहीं है द वन हु इज प्यूमा गोज गोज टू जी सी प्यूमा वाला जी -E जाता है और ऋषिता के पास प्यूमा नहीं है यानी कि ये जीसीटी नहीं जाएगा जीसीटी दोनों में से कोई भी जा सकता है तो स्टेटमेंट वन से कुछ भी अपने को क्लियर नहीं हो रहा मतलब आइदर और से भी नहीं होगा ये रिपीट हो गया ना रिपीट हो गया ना ये कैंसिल कर दो इसको चलो आगे बोलता है रिशिता डज नॉट गो गोज टू बी सी ईटी रिशिता नहीं जाएगी निमिशा के पास रिबोक के शूज है लेकिन बाई सी टी नहीं जाएगी और जो बी सी टी जाएगा उसके पास एडिडास के शूज है सेकेंड से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है सेकेंड से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है दोनों को अब इकट्ठा कर देंगे बोलता है निमिषा के पास रीबॉक के शूज हैं लेकिन वाई सी टी नहीं जाती जो बी सी टी जाता है उसके पास एडिडास के शूज हैं, ठीक है ठीके? और ऊपर क्या बोला हुआ था ऊपर कुछ भी नहीं बोला हुआ था बी ई टी अब जी सी टी ये दोनों नहीं जाएंगे और जो जी सी टी जाएगा द वन हुआज प्यूमा गोज टू जी सी टी इसके पास प्यूमा नहीं है तो जी सी टी यहां पर आ जाएगा प्यूमा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है जी जी सी टी अपने पास हो गया इसके पास एडिडास नहीं है तो एडिडास लिख के क्रॉस लगा लेते हैं ये भी हो गया जानवी के पास भी एडिडास नहीं है जानवी के पास एडिडास नहीं है ऋषिता डज नॉट गोज टू बी सी टी बी सी टी नहीं जाती द वन हु गोज टू बी सी टी हैव एडिडास एडिडास इसके पास नहीं है आ, इन दोनों में से किसी एक के पास हो सकते हैं तो इन दोनों में से किसी एक के पास हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी दैट मीन्स दोनों ही सफिशियंट नहीं है सी आ रहा है सफिशियंट आ रहा है दोबारा से करके देखें इसको सफिशियंट आ रहा है तो दोबारा से करके देखते हैं एक मिनट हो सकता है कोई लाइन छूट ना गई हो मुझसे हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू बी सी टी रिशिता बी सी टी नहीं जाती रिशिता रिशिता नहीं जाती तो रिशिता तो नहीं जाती निमिशा एज रिबोक डज नॉट गोज टू वाई सी टी दल हैव एडिडास तो बी सी ई टी एडिडास दोनों के पास आ सकते हैं अच्छा रिशिता डज नॉट हैव प्यूमा इसके पास प्यूमा भी नहीं है रिशिता डज नॉट हैव प्यूमा गलत लिख दिया ना हम लोगों ने रिशिता के पास प्यूमा नहीं थे इसको दोबारा से लिखते हैं थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया चलो हाँ 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 रिशिता के पास प्यूमा नहीं है इसको दोबारा से लिख लेते हैं नीदर जानवीन और राजघोस टू जी सी टी जी सी टी इधर करके लिख लेते हैं जन्ह्ही डज नॉट है दू गोज हुई प्यूमा वाला जी सी टी जाता है आगे बोलता है रिशिता के पास प्यूमा नहीं है रिशिता के पास प्यूमा नहीं है तो प्यूमा हो जाएगा रितेश के पास जी सी टी -E आ जाएगा यहाँ पे ठीक है ये तो क्लियर है रिशिता डज नॉट गोज टू बी सी टी -E बी सी टी -E नहीं जाती निमिषा के पास रिबोक है वाई सी टी -E नहीं जाती एंड जो बी -E जाएगा उसके पास एडिडास के शूज़ हैं मतलब एडिडास के इसके पास नहीं हो सकते एडिडास के इसके पास नहीं हो सकते एडिडास के यहाँ पे आ जाएंगे और बी सी -E ये जाएगा स्टेटमेंट थर्ड से क्लियर दोनों से क्लियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाँ जी हो जाएगा क्लियर ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट का फटाफट से देखेंगे टैबुलर बेस मैंने आपको बहुत बार करवाया अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर सारे वर्ड्स को अरेंज किया ठीक है जी जगह पर एम वॉवल प्रीवियस लेटर से चेंज हुआ है। वोवल चेंज टू नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट लेटर से चेंज हुआ है प्रीवियस से चेंज हुआ है नंबर यूज हुए हैं वो नंबर ऑफ वॉवल इन द वर्ड ठीक है जी स्टेप नंबर थ्री वन नंबर में एट द रेट और नंबर में प्लस टू किया गया थर्ड में नंबर ऑफ लेटर कॉन्सोनेंट्स की प्लेस पर इवन एट द रेट ऑड हैश टैग ठीक है जी अभी मैं करवाऊंगी तुम लोग गैस तो करो यार फोर्थ में इवन में डॉलर ऑड में एंड सभी ने अगर कर लिया तो मैं क्वेश्चंस दिखा दूं तुम लोगों को करवाऊंगी मैंने जिस आप लोगों को टाइम दिया है खुद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ताकि आप लोग ये समझ सको कि आप कितना कर सकते हो है ना जो लोग भी कह रहे हैं मैम प्लीज एक्सप्लेन हमारी क्लास एक छोटा सा एक होता है कि हम पहले मैं पहले मैं आपको टाइम देती क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर मैं खुद करवाती हूँ ताकि आपको अप्रोच में डिफरेंस पता चल सके ठीक है अब ये जैसा भी इनपुट आउटपुट आता है मैंने आपको काफी बार करवाया और ये काफी ईजी होता है जो दूसरा इनपुट आउटपुट होता है उससे ये वाला फार बेटर होता है सम पीपल लव चन क्या चेंज हुआ है स्टेप वन में आपके पास लग गया चिकन लव पीपल सम वर्ड वही है अरेजमेंट ऊपर नीचे हुआ है वर्ल्ड क्लास साइट साइट क्लास साइट वर्ल्ड टूगेदर वी स्टडी स्टडी टूगेदर वी इसमें क्या चेंज आपको दिख रहा है अगर आप सभी का फर्स्ट लेटर देखोगे तो क्या है एल्फाबेट ऑर्डर में है जैसे अपन ए टू जेड लगाते हैं सभी का फर्स्ट लेटर इसने किस फॉर्मेट में लगाया है एल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी का फर्स्ट स्टेप कौन से ऑर्डर में लगाया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो जो भी वर्ड्स पहले आते हैं डिक्शनरी में उनको पहले लिखा है जो बाद में आते हैं उनको बाद में लिखा है तो इसने स्टेप वन में क्या किया है सारे के सारे वर्ड्स को इसने कौन से ऑर्डर में अरेंज कर दिया अल्फाबेट ऑर्डर में ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया वर्ड्स को लेटर्स को नहीं वर्ड्स को अब स्टेप वन से स्टेप टू में क्या चेंज हो रहा है देखो यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे सी एच आई सी के ई एन चेंजेस अगर आप देखोगे एच और डी कहां पे हुआ है जहां पे I और e है चेंजेस अगर आप देखोगे तो O और e पे हुए हैं चेंजेस अगर आप देखोगे तो ओ e और e पे हुए हैं चेंजेस अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ओ और ई e में हुए हैं मतलब इसने वाल में चेंज किया है अल्फाबेट के रिस्पेक्ट में इसने क्या किया है, में चेंज, किया है। चेंज क्या किया है आई से एच को कैसे रिलेट कर सकते हो आई माइनस वन करोगे एच आ जाएगा ई माइनस वन करोगे डी आ जाएगा ओ e माइनस वन करोगे एन आ जाएगा ई माइनस वन करोगे डी आ जाएगा फिर e माइनस वन करोगे d आ जाएगा o माइनस वन करोगे n आ जाएगा e माइनस वन करोगे d आ जाएगा o माइनस वन एन ई माइनस वन डी यानी कि जहां जहां पे भी वॉबल आ रहे हैं जहां जहां पे भी वॉबल्स आ रहे हैं इसने वॉबल्स में क्या किया है माइनस वन किया है या फिर प्रिस लेटर को लिखा है इसने वॉवल्स में प्रिसीडिंग लेटर को लिखा है ठीक है में इसने ये चेंज किया है इसने कॉन्सोनेंट में चेंज क्या किया है कॉन्सोनेंट में क्या चेंज किया इसने ध्यान से देखेंगे कॉन्सोनेंट में हमें क्या दिख रहे हैं नंबर दिख रहे हैं ठीक है कॉन्सोनेंट में हमें नंबर दिख रहे हैं अब हम नंबर कैसे लगाएंगे ये वाले नंबर दिख रहे हैं दो 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 यहां पे तीन 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 यानी कि सेम नंबर है कॉन्सोनेंट पे इसने लगा दिया नंबर अब वो कौन सा नंबर लगाया है नंबर इज प्लेस्ड और ये नंबर क्या होगा ये नंबर किसको डिपिक्ट करेगा अभी हमने देखे थे वॉवल कितने थे दो वॉवल कितने थे दो वॉवल्स तो हैं उनको इसने कहा लगा दिया कॉन्सोनेंट की जगह पे नंबर इज प्लेस्ड और नंबर क्या डिपिक्ट करेगा नंबर ऑफ वॉवल्स इन दर्ल्ड अब समझ में आ रहा है क्या सबको क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या स्टेप थ्री पे आएंगे अब स्टेप थ्री में अगर आप देखोगे तो जहां पे नंबर था वो बन गया सिंबल और जहां पे लेटर था वो बन गया नंबर बन गया सिंबल और लेटर बन गया नंबर कैसे नंबर सबसे पहले देखेंगे टू 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 सारे बने एट द रेट टू टू बने एट द रेट थ्री 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 बने हैश टैग और टू टू बने क्या एट द रेट यानी कि अगर मेरे पास इवन नंबर है अगर मेरे पास है है तो तो उसने उसने क्या क्या लगाया? लगाया? अगर मेरे पास एक odd number है, तो उसने क्या लगाया? Hashtag. Check भी कर सकते हो। यहां पे odd number था, सिंबल लगा का। ये सारे के सारे ऑर्ड है देखो सारे के सारों में है। परफेक्ट अब इसने नंबर कैसे लिखा है नंबर था दो बन गया चार नंबर था दो बन गया चार तीन बन गया पांच दो बन गया चार एक बन गया तीन दो बन गया चार एक बन गया तीन यानी कि जो भी मेरे पास यहां उसमें इसने, तो इसने क्या किया नंबर नंबर ऑफ वॉवल्स प्लस टू।, में इसने क्या किया? टू बोल लो या नंबर प्लस टू बोल लो बात एक ही है क्या सभी को स्टेप थर्ड तक समझ में आ गया क्या परफेक्ट अब आएंगे स्टेप फोर पे स्टेप फोर में आराम से देखो सिंबल चेंज नहीं हुए हैं जो एग्जिस्टिंग सिंबल्स थे वो चेंज नहीं हुए हैं यानी कि स्टेप फोर के अंदर एग्जिस्टिंग सिंबल्स आर केप्ट एज इट इज एग्जिस्टिंग सिंबल्स को हमने सेम ही रखा गया है और नए सिंबल्स और ऐड किए गए हैं नए सिंबल्स के अंदर क्या क्या ऐड किया गया है बड़े आराम से देखेंगे चार की जगह पे डॉलर है डॉलर चार की जगह पे डॉलर पांच की जगह पे एंड चार की जगह पे डॉलर तीन की जगह पे एंड चार की जगह पे डॉलर तीन की जगह पे एंड और तीन और पांच की जगह पे एंड यानी कि अगर मेरे पास एक इवन नंबर है तो हमने लगाया डॉलर और अगर मेरे पास एक ऑड नंबर है तो हमने लगाया एंड एवर नंबर पे क्या लगा डॉलर और ऑड नंबर पे क्या लगा एंड समझ में आया क्या सबको इनपुट आउटपुट जल्दी से बताएंगे सब लोग यस yes, मैम बहुत अच्छे से समझ में आया है तभी मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी फिर ठीक है चलो

नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं एक एक कॉन्सोनेंट एक, एक, एक. की जगह पे क्या लिख दिया एक नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं दो तो कॉन्सोनेंट की जगह पे एम और एल की जगह पे लिख दिया हमने दो अब बात आती है वोवल की वोवल में किया था माइनस वन ए से पहले जेड आता है ई e से पहले डी आता है ए से पहले जेड आता है आ गया बनाएंगे स्टेप थ्री स्टेप थ्री में हमने क्या किया था इवन नंबर है तो एट द रेट और नंबर है तो हैश टैग हैश टैग इवन नंबर है तो यानी कि ये वाले जो सिंबल्स थे ये स्टेप तक चेंज नहीं हुए थे अगर स्टेप चार तक चेंज नहीं हुए तो मेरे को सिंबल तो यही चाहिए ना मेरे को सिंबल यही चाहिए कि तीन हैश टैग आने चाहिए दो एट द रेट आने चाहिए तीन हैश टैग तीन सॉरी चार हैश टैग क्या चार हैश टैग इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे चार इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे चार इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे चार हैश टैग जहां जहां पे नहीं है उसको क्या करेंगे एलिमिनेट दो मुझे एट द रेट चाहिए फर्स्ट और लास्ट में फर्स्ट और लास्ट में एट द रेट आ रहा है फर्स्ट और लास्ट में एट द रेट नहीं आ रहा एलिमिनेट करो आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है क्या सभी को एलिमिनेशन मेथड समझ में आया आपको साइंस वैसे ही चाहिए जैसे लगे गए हैं जिस जिस में साइंस वैसे नहीं लगे गए उसको क्या करेंगे एलिमिनेट अगर आप मुझसे बोलेंगे कि इसको मैम पूरा कंप्लीट कर दो तो पूरा कंप्लीट करेंगे और यहां पे उसने क्या बोला था नंबर इज प्लेस्ड वॉवल uh, की जगह पे हमने क्या किया था एक मिनट रुको वॉवल में हमने किया था प्रिसीडिंग लेटर यानी कि ये लगा दिया था और नंबर हमने लगा दिया था प्लस टू करके तो नंबर ऑफ वॉवल अपने पास कितने थे नंबर ऑफ वॉवल कितने थे एक थे एक प्लस दो तीन नंबर ऑफ वॉवल दो थे तो ये आ जाएगा uh, चार और चार ठीक है चौथा चो, स्टेप बनाएंगे एग्जिस्टिंग सिंबल सेम थे एग्जिस्टिंग सिंबल्स में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी हमने नंबर में चेंज किया था अगर नंबर इवन है तो हमने लगाया था क्या डॉलर और नंबर ऑड है तो हमने क्या लगाया था एंड चेक कर लो यही बनेगा तो इसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं थी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना था कि ऑर्डर किस में फॉलो हो रहा है वेल well प्लेड लगाना है तो इसका पहला स्टेप क्या बन जाएगा प्लेड वेल well. क्या बन जाएगा प्लेड वेल यानी कि पहले आपको ज्यादा लेटेस्ट चाहिए फिर आपको कम चाहिए यहां पे क्या दिख रहा है आपको

नंबर की जगह में हमने क्या लगाए थे नंबर की जगह में हमने सिंबल लगाए थे इवन नंबर है तो एट द रेट और नंबर है तो हैश टैग एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट है ना तो यहीं तक ही बनाना है और जो हमारे पास क्या थे कॉन्सोनेट uh, थे जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स थे उसमें हमने क्या किया था इस नंबर में प्लस टू किया था यानी कि चार बन जाएगा चार बन जाएगा चार बन जाएगा, चार बन जाएगा ये बनेगा एक मिनट दो बार चार बनेगा ना ये लास्ट में मैंने क्यों लगा दिया नंबर की जगह पे हमने प्लस टू किया और यहां पे प्लस टू करेंगे तो तीन आ जाएगा देख लो किस में आ रहा है एट द रेट एट द रेट इसमें तो नहीं आ रहा एट द रेट चार एट द रेट इसमें भी नहीं आ रहा और हैश टैग तीन हैश टैग ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है डी में आया जिसको पहले समझ में नहीं आ रहा था जिसने भी बोला था मैम करवा दो अब क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को बता तो दो कि अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है मस्त तरीके से समझ में आ रहा है दे आर वेलकम कैसे बनेगा इसका आर दे वेलकम आर दे वेलकम बनेगा अगर मैं किसमें लगाऊंगी एल्फाबेट ऑर्डर में लगाऊंगी अब पहले आपको तीन चाहिए तीन यानी कि नंबर या फिर कोड्स तीन कोड चार कोड और फिर बहुत सारे कोड तीन चार बहुत सारे तीन चार बहुत सारे यहां पे चार और बहुत सारे फिर तीन गलत कोड बन रहा है इसका यहां पे भी देखोगे पहले चार आ रहा है गलत कोड बन रहा है यहां पे देख लो इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है मैंने कैसे बनाया लास्ट स्टेप इसमें बता देती हूँ ना क्योंकि पूरा बताना है मैंने इसको क्यों एलिमिनेट किया पहले मुझे आर का कोड चाहिए आर का मतलब तीन लेटर्स हैं तो यानी कि तीन कोड चाहिए पहले चार कोड आए ना इसमें चार कोड क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे परफेक्ट स्टेप टू बनाएंगे स्टेप टू में हमने क्या किया था वॉवल में माइनस वन वॉवल में हमने माइनस वन किया था और कॉन्सोनेंट की जगह पे नंबर ऑफ वॉवल डाले थे नंबर ऑफ वॉवल दो नंबर ऑफ वॉवल एक वॉवल माइनस वन नंबर ऑफ वॉवल एक नंबर ऑफ वॉवल एक वॉवल माइनस नंबर ऑफ वॉवल एक एक वॉवल माइनस तो एम एन ओ पी एन आ जाएगा नंबर ऑफ वॉवल एक और डी क्या स्टेप टू सबको समझ में आ गया क्या स्टेप थ्री स्टेप थ्री में हम लोगों ने क्या किया था जो नंबर था अगर वो एक इवन नंबर है तो एट द रेट और ऑड नंबर है तो हैशटैग ठीक है अपने को चाहिए एक एट द रेट और बहुत सारे हैशटैग और यहां पे अगर आप देखोगे तो मुझे आगे पीछे क्या चाहिए दो सिंबल्स चाहिए क्या चाहिए मुझे दो सिंबल्स चाहिए ना तीन होगी तीन का क्या मतलब है तीन होगी नंबर ऑफ अच्छा तीन थे ना एम सॉरी नंबर ऑफ वॉबल तीन थे ना तीन लगा दो लो जी. आ, एक लगा दो एक W E L C O M E हाँ नंबर ऑफ वोवल्स तीन थे ठीक है अब अपने को क्या चाहिए ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए जिसमें आपके पास

चार कर दिया इसको एक को तीन कर दिया तीन को हमने पांच कर दिया और यहां पे भी पांच कर दिया यही किया था ठीक है जी, हमने किसकी तरफ पे पे लगाया और यहां पे भी पांच कर दिया परफेक्ट समझ में आया अब स्टेप बनाएंगे फोर स्टेप फोर में हमारे पास एग्जिस्टिंग सिंबल्स सेम थे एग्जिस्टिंग सिंबल्स हमारे पास क्या थे सेम थे तो एग्जिस्टिंग सिंबल्स को हम लोग सेम बना लेंगे और नंबर की जगह पे अगर हमारे पास एक इवन नंबर था तो डॉलर ऑड नंबर था तो एंड इवन नंबर था तो डॉलर नंबर था तो एंड इवन नंबर था तो डॉलर ऑड नंबर था तो एंड लो जी चेक कर लो आपका आंसर वही बन रहा ऑप्शन नंबर ए अब स्टेप फोर समझ में आ गया क्या सबको मैम सेकंड स्टेप में तीन की जगह पे एक तीन की जगह पे एक कहाँ सेकंड स्टेप में सेकेंड स्टेप तो ये है ना नंबर ऑफ वर्वल एक ही तो है परफेक्ट समझ में आ रहा है क्या चलो अगला क्वेश्चन करेंगे स्टेप टू तक ही बनाना है गेट वेल सून का गेट वेल सून में सबसे पहले क्या आएगा गेट फिर आएगा सून फिर आ जाएगा वेल स्टेप वन बन गया पहले गेट का चाहिए फिर सून का चाहिए फिर वेल का चाहिए

तीन एक मुझे चाहिए तो तीन एक मुझे इसमें तो नहीं मिल रही इस ऑर्डर में देख लो नहीं मिल रहा इसको भी हमने किया कैंसिल अब वॉवल का माइनस वन वन डी वन वन एच वन कैंसिल वॉवल का माइनस वन दोनों बार एन बन जाएगा कैंसिल ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर वॉवल का एक माइनस वन वन डी इलेवन समझ में आ गया सबको क्या सभी लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक तो कर दो यार इतना तो कर ही सकते हो चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास कोडिंग कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोडिंग का आपको एक नया सा क्वेश्चन लगेगा है ना आपको एक नया सा क्वेश्चन लगेगा ये भी आई थिंक इसकी हिंदी भी गिवन होगी यस yes, हिंदी वाले पहले देख लो फिर मैं करवाती हूँ इंग्लिश वालों को ठीक है जी ये टेबल भी होगा क्वेश्चंस दिखा दू पहले लो जी आप इतना सिर्फ ये लिख के रख लो पेटेंट सोर्स चार्ज और मोबाइल ये लिख के रख लो फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगी आप फिर अपने आंसर टिक कर लेना ठीक है पेटेंट का निकालना है सोर्स का निकालना है चार्ज का निकालना है और मोबाइल का निकालना है। जब क्वेश्चंस डन हो जाए तो फिर मैं आपको कंडीशंस दिखा देती हूँ दोबारा ठीक है चारों कोड्स हो गए क्या स्टार्ट करें क्वेश्चन को चलो देखो सबसे पहले यहां पे आपको कुछ कुछ कोड्स दिए गए हैं कुछ कुछ लेटर्स के जैसे एन और E का कोड ये है यू और एम का ये क्वेश्चन मार्क है एफ और क्यू का ये वाला कोड है ए और टी का ये वाला कोड है वी और के का ये वाला कोड है तो ये सारे के सारे कोड आपको दे रखे हैं आगे कुछ-कुछ कंडीशंस हैं कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर एक वर्ड स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से और एंड होगा वॉवेल से तो कोड्स ऑफ दीज टू वर्ड्स विल बी विल बी इंटरचेंज्ड यानी कि जो कॉन्सोनेंट का कोड होगा और जो वॉवेल का कोड होगा वो क्या हो जाएंगे स्वॉप हो जाएंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे ठीक है फर्स्ट और लास्ट का उसके बाद अगली कंडीशन है कि अगर इफ अ लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस इन अ वर्ड जैसे आपके पास कोई भी लेटर जैसे क्वेश्चन है तो इसके अंदर एस दो बार आया है ना अगर दो बार वो एक लेटर यूज हो जाए कोड फॉर दैट पर्टिकुलर लेटर यानी कि एस के बारे में बात कर रहा है में में एस के बारे में बात कर रहा है द द फर्स्ट लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड यानी कि जो पहला एस आएगा उसको प्लस लगाएंगे और जो दूसरा एस आएगा उसको हम लोग ये डैश वाला साइन लगा देंगे ठीक है अगर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इफ मोर देन वन लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड जैसे अगर इसमें मोर देन वन लेटर रिपीट हो जाए मान लो दो बार एस आ रहा है दो बार ओ आ रहा है अगर ऐसे दो लेटर्स दो बार आ जाए तो फिर यह कंडीशन जो है एप्लीकेबल नहीं होगी एक ही लेटर दो बार आना चाहिए अगली कंडीशन बोलता है इफ देयर आर मोर देन टू वॉवल्स मोर देन टू वॉवल्स का मतलब क्या है जैसे एक दो तीन चार वॉबल्स आ गए ना मोर देन टू वॉबल्स हैं देन कोड फॉर दैट वर्ल वर्ड विल बी रिवर्स रिवर्स का मतलब क्या है जैसे आप क्वेश्चन का ऐसे लगाते हो ना कोड तो आपको क्वेश्चन का कोड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लगाना पड़ेगा ठीक है द पोजिशन ऑफ द लेटर इन अ वर्ड आर कंसिडर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट कंसिडर करेंगे अगर मोर देन वन कंडीशन अप्लाई हो रही है दे आर टू बी अप्लाइड इन द गिवन ऑर्डर यानी कि अगर मान लो ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है फर्स्ट और सेकेंड तो फर्स्ट को अप्लाई करेंगे और फिर फॉलोड बाई कंडीशन सेकेंड ठीक है जी पहले फर्स्ट को अप्लाई करेंगे अब यहां पे देखो अपने पास है किसका पेटेंट पेटेंट स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे पहली कंडीशन काम नहीं करेगी पेटेंट में टी और टी रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है और इसके अलावा और कोई भी लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है तो पहले टी को हम लगाएंगे प्लस और दूसरे टी को हम लगाएंगे माइनस सीधा ऑप्शन सी आपका आंसर था पहले टी को हम लगाएंगे प्लस दूसरे टी को लगाएंगे माइनस और किसी में आई नहीं रहा ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा आंसर था बाकी सबके कोड एज इट इज पी का जो कोड था वो लगा देंगे ए का कोड था वो लगा देंगे परफेक्ट दिस इज द एग्जामिनेशन अप्रोच अगला क्वेश्चन करेंगे सोर्स सोर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो मोर देन थ्री वॉबल्स है जब भी मोर देन थ्री वॉबल्स आ जाए तो इसका कोड क्या हो जाएगा रिवर्स यानी कि आप सोर्स का कोड कुछ ऐसा लगाओगे पहले ई e का कोड फिर सी का फिर आर का फिर यू का फिर ओ का ठीक है कोड पहले ई e का कोड कोड आएगा, e का अपने पास क्या है? एंड यानी कि एंड से स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी और ई e तो कैंसिल कर दो सी और आर का कोड देख लो सी का कोड अपने पास क्या है ये रिंगटोन वाला जो साइन होता है वो है और आर का कोड क्या है ये ओ जो क्रॉस किया हुआ है वो वाला साइन है तो यानी कि अपने पास एक से ज्यादा सी का कोड ना सी का कोड अपने पास रिंगटोन वाला साइन था ना ई सी या गलत देख लिया मैंने सोर्स एसओय फर्स्ट कंडीशन भी एप्लीकेबल हाँ फर्स्ट कंडीशन भी तो इसमें एप्लीकेबल है ना फर्स्ट कंडीशन भी एप्लीकेबल है तो पहले फर्स्ट लगाएंगे और फिर अपन लास्ट लगाएंगे हाँ जी फर्स्ट कंडीशन भी लग रहा है स्टार्ट हो रहा है से एंड तो एस को का कोड अपने पास बन जाएगा एस का कोड बन जाएगा ये वाला साइन और ई का कोड अपने पास क्या बन जाएगा ई का कोड बन जाएगा एंड e e हमने क्या कर दिया स्वॉप कर दिया ठीक है अब वो बोलेगा कि दो हां दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी अब दो से ज्यादा वॉबल आ रहे हैं तो कोड्स को हम क्या कर देंगे स्वाप कर देंगे यानी कि रिवर्स कर देंगे स्टार्ट होगा एंड से और एंड होगा इस पे तीनों इससे हो रहे हैं ये दोनों तो कैंसिल कर दो कर दिए अब आ जाएगा किसका कोड एस ओ -E. यू आर सी ई यही बोला गया था ना देन द कोड फॉर द फर्स्ट लेटर कोड विल बी रिवर्स्ड है हाँ ना और अगर एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई होती तो पहले कंडीशन को अप्लाई करेंगे फिर दूसरी वाली को अप्लाई करेंगे ठीक है तो आपका आंसर इसमें ई e आ रहा है क्या सी नहीं आ रहा क्या एक मिनट सो कर देंगे ना इन दोनों के कोड को एस का कोड अपने पास एस का कोड एंड ई का कोड था हुँ. तो स्वॉप कर देंगे ना इसको कैंसिल क्यों किया मैंने हमारे पास एस का कोड था ये वाला यही था ना दोबारा से देख लेते हैं एस का कोड ये था और ई e का कोड मेरे पास क्या था एंड था ठीक है दोनों को इंटरचेंज करो अभी अगर मैंने सोर्स के कोड को इसके अकॉर्डिंग इंटरचेंज किया तो मेरे पास पहले आना चाहिए था क्या एंड आना चाहिए था फिर ओम आना चाहिए था ठीक है पहले एंड फिर ओम परफेक्ट उसके बाद उसने कहा है सेकंड कंडीशन अप्लाई करो स्वप कर दो कोड्स यानी कि पहला कोड अपने पास बन जाएगा ओम से और लास्ट का कोड अपने पास बन जाएगा एन से अगर इसके अकॉर्डिंग करूं तो ये तीनों कंडीशंस अपने पास कैंसिल हो गई आंसर आएगा किससे सी और डी से डी और ई e से सॉरी ठीक है अब देख लो किसका कोड लगाना है उल्टा किया ना तो पहले सी का लगेगा फिर आर का फिर यू का फिर ओ का सी का कोड अपने पास है रिंगटोन वाला साइन रिंगटोन वाला साइन इसके अंदर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई e आंसर हो जाएगा डी कैंसिल दो बार स्वाप करना था हाँ दो बार स्वाप करना था इसको दो बार स्वाप करने का मतलब क्या है कि चेंज ही नहीं होगा कुछ ठीक है हो हो गया जी चलो अगला है है चार्ज चार्ज के अंदर अपने पास स्टार्ट रहा है, से एंड हो रहा है वॉवल पेस्ट कंडीशन नंबर पहली अप्लाई होगी तो दोनों के अपने कोड्स को क्या कर देंगे स्वप्प कर देंगे सी और ई e का कोड ई e का कोड एंड था और सी का कोड रिंगटोन वाला था ये रिंगटोन वाला

एम का है अपने पास क्वेश्चन मार्क और ई e का है अपने पास एंड अब सेकेंड कंडीशन जब मैं लगाऊंगी तो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा यानी कि पहले आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और बाद में आ जाएगा एंड इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा नहीं ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा चेक करना एक बार ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये हो गए हमारे कोड्स मैंने आपको दो तरीके की कोडिंग डिकोडिंग आज कराई थी इनपुट uh, आउटपुट कराया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे किसका पजल का ठीक है जी स्टार्ट स्टार्ट करें पजल्स को चलो स्टार्ट करो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू है ना आज हम लोगों ने एक नई अचीवमेंट अनलॉक करी है विच इज़ 200 सौ प्लस लोग बोल रहे 200 प्लस लोग लाइव आए हैं आज मेरी क्लास में एंड आई एम रियली हैप्पी आई एम रियली ब्लेस्ड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाकर मेरी क्लास में आ रहे हो आई एम प्रोमिसिंग यू दिस कि अब जो क्लासेज होने वाली हैं वो गेम चेंजर होंगी क्लासेज अगर कर ली ना तो मतलब एग्जामिनेशन का डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा ठीक है बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है आज देख कर एक ऐसा दिल को ऐसे शांति से मिल गई है तो डेली यार आते रहो अपना प्यार बरसाते रहो और क्वेश्चन करते रहो एक दिन दो के भी होगा उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है बट थिंग्स टेक टाइम थिंग्स टेक हार्ड वर्क आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई नो कि एक दिन ऐसा होगा क्योंकि आप लोगों का साथ मेरे साथ है thank you thank you आई एम वेटिंग फॉर दैट डे स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक वार्म अप किया आपका इसके बाद देखते हैं और कौन सी पजल्स आएंगी एट पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी एच जो आठ डिफरेंट फ्लोर्स पर रह रहे हैं और लोअर मोस्ट वन होगा टॉप मोस्ट एट होगा उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कार्स हैं जिनके आपके पास नाम यहाँ पे लिखे गए हैं तो सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे फ्लोर्स uh, बना लेंगे चलो फाल्गुनी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर द फ्लोर नंबर फोर फ्लोर नंबर फोर के ऊपर कौन कौन से ऑड नंबर फ्लोर ये ये वाला फाल्गुनी यहां आ सकती है फाल्गुनी यहां आ सकती है पर्सन बिटवीन फाल्गुनी एंड स्पाइडर फाल्गुनी और स्पाइडर के बीच में एक पर्सन है इसको थोड़ा सा उधर बना लेते हैं ठीक है फाल्गुनी और स्पाइडर के बीच में एक पर्सन है तो स्पाइडर यहां पे भी आ सकता है स्पाइडर यहां पे भी आ सकता है और इसके अकॉर्डिंग स्पाइडर यहां पे आ जाएगा

ठीक है गीता ऑन इधर लैंड रोवर नॉर फोर्ड गीता यहां नहीं आ सकती गीता लैंड रोवर पर तो नहीं आ पाएगी गीता यहां नहीं आ सकती ठीक है गीता के ऊपर फरारी चाहिए गीता के ऊपर फरारी आ सकती है गीता के ऊपर फरारी यहां पे आ सकती है दोनों चीजें पॉसिबल हैं गीता यहां नहीं आएगी गीता यहां नहीं आएगी तो गीता के ऊपर फरारी आ सकती है और यहाँ नहीं आ सकती तो मतलब इधर तो एक ही चीज बच रही है गीता से ऊपर फरारी यहां पे दो पॉसिबिलिटीज थी या तो ये वाली ये वाली या फिर ये वाली स्पाइडर का कंफर्म हो जाए फिर हम लिख लेंगे इसको एशा डज नॉट ऑन ऑन फरारी एशा फरारी ऑन नहीं करती है तो गीता फरारी लिखा तो एशा यहां नहीं आ सकती गीता फरारी लिखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एशा फरारी नहीं ऑन करती है ओनली थ्री पर्सन बिटवीन गीता एंड अनिल गीता और अनिल के बीच में तीन लोग हैं तो एक दो तीन अनिल यहां पर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग देखो अगर मैं गीता यहां लगाऊंगी तो एक दो तीन अनिल यहां पे आ जाएगा यानी कि गीता और अनिल के बीच में ये वाली दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी द वन सेग लिव्स दन अबव एस्टन मार्टिन बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर ये दोनों ऊपर नीचे रहेंगे जिसमें एस्टन मार्टिन नीचे रहेगा ठीक है तो अगर मुझे दो ब्लॉक बनाने हैं यहां पे आ सकता है टॉप मोस्ट पे नहीं रहेगा यहाँ पे आ सकता है ये आ, यहां पे आ सकता है यहां पे आ सकता है एस्टन मार्टिन के एकदम ऊपर है इधर देखूंगी तो सिर्फ एक ही ब्लॉक मतलब यहां, तो को यहां लगा दूंगी हितेश यहां पे आ सकता है ठीक है कोइंसेक को यहां लगाऊंगी तो हितेश नहीं आ पाएगा यानी कि कोइंसेग यहां पे आ जाएगी एक छोड़ के हितेश यहाँ पे आ जाएगा एस्टन मार्टिन यहां पे आ सकती है आगे पढ़ लेता थोड़ा सा ओनली वन पर्सन बिटवीन भारत एंड निशान भारत और निशान के बीच में एक पर्सन है भारत और ऐशा गीता और, गीता और और एशा. एशा यहाँ पे आ जाएगा यानी कि फरारी यहां नहीं आ, आ पाएगी तो स्पाइडर यहाँ पे आ जाएगा अनिल यहाँ पे आ जाएगा गीता इधर और फरारी इधर चेक करो ऐसे ही बन रहा है क्या एक गाड़ी रह गई इसको हम लगा देते हैं लैंड रोवर Ferrari Ford Mustang Mustang रह गई तो Mustang यहां लगा देते हैं ठीक है परफेक्ट चलो क्वेश्चंस कर लो इसके दयो ना तेरे लिए मस्टैंग ला तेरा ना लिखाया घटते पूरा कंप्लीट तो किया करो ऐसे तो कितने गाने बनते गाड़ियों पे चलो फरारी पे कोई गाना नहीं है क्या फरारी पे कोई गाना याद नहीं आ रहा आपको पहला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है? गीता लिव्स रोवर। रोवर है है? रह क्या चार्ली के ऊपर है ओनली थ्री पर्सन बिटवीन फाल्गुनी फाल फाल्गुनी एंड कोइनसेग दो गलत है दीपक ओन् दीपक दीपक निशान गलत है क्या ये ऑल आर ट्रू गीता अच्छा पहली स्टेटमेंट ट्रू थी ना हमने अनिल वाला देख लिया था पहली स्टेटमेंट इसकी ट्रू है चलो आ, हितेश और एस्टन मार्टिन के बीच में कौन रहेगा एस्टन मार्टिन और हितेश के बीच में एशा दो लोग है ना एक तो कोइंसेग वाला है डेफिनेटली दीपक तो नहीं है आ, फाल्गुनी एशा, एशा दीपक अनिल और एशा है ना अनिल एंड द वन हु ओन्स फोर्ड ये भी नहीं है कौन आएगा हितेश और एस्टन मार्टिन के बीच में स्पाइडर और कोइंसेक दो हैं दोनों किसी में आ रही है क्या अनिल एंड स्पाइडर आ सकता है अनिल एंड स्पाइडर आ सकता है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एशा ने कौन सी कार रखी हुई है स्पाइडर और

उससे पहले सेशन को लाइक जरूर कर देना जिसने भी नहीं किया है सेशन को लाइक जरूर कर देना प्लीज है ना चलो अगला क्वेश्चन ओ माई गॉड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आई गारंटी यू लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा डिकोड कर लोगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट से करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कल पेड़ की क्लास नहीं हुई थी शाम को आज हैं दोनों क्लासेस स्टार्ट करें क्वेश्चन को अगर नहीं बन पा रहा है तो ब्लड रिलेशन हो गया फिर वो भी बन जाएगा कचौड़ी नहीं मांग रहे हैं सर कुछ और बात कह रहे हैं थैंक यू कशिश डेली क्लासेस में आते रहो आपके मार्क्स मैक्सिमाइज होते रहेंगे डेफिनेटली चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है जितना आपने किया अच्छा किया होगा अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ठीक है चलो एक्स रंग कोचिंग इंस्टीट्यूट विद हर सिक्स फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ दीज आर द मेंबर्स आर रिलेटेड टू एक्स ये सारे एक्स से रिलेटेड हैं These seven teachers teach seven different subjects as per their expertise, and the subjects are physics, polity, chemistry, geography, and uh, economics, history, and biology. The duration of these lectures is either 50 minutes or 90 minutes, ya to 50 minute ka lecture hai ya 90 minutes, matlab ghante ka lecture hai. और कोई भी तीन इकट्ठी क्लासेस फिफ्टी फिफ्टी मिनट्स की या मिनट्स 90 -90 की नहीं हो सकती मतलब कि अगर फिफ्टी मिनट्स की दो क्लासेस नाइन्टी मिनट्स की ही आएंगी एंड वाइस बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव यानी कि या तो दोनों पेरेंट्स अलाइव होंगे या फिर दोनों पेरेंट्स ही अलाइव नहीं होंगे मतलब डेफिनेटली मैरिड कपल का ही बच्चा होगा परफेक्ट देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू लेक्चर्स कोई भी गैप नहीं है एक के बाद एक लेक्चर चलेंगे और यहां पे क्लास को स्टार्ट किया गया है टू सब्जेक्ट्स आर टॉट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड द क्लास दैट एक्स टीचेस तो एक्स जो पढ़ाता है लेक्चर उसके अंदर और इकोनॉमिक्स के बीच में दो का गैप है द सेकेंड लेक्चर एंड एट फोर्टी एम यहाँ पे सेवन लेक्चर्स होंगे ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ और सात इधर हम लिख लेते हैं टीचर्स को ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइमिंग्स कौन से कौन से टाइम होंगी यहाँ पे ड्यूरेशन कितने मिनट की होंगी और यहाँ पे सब्जेक्ट ठीक है ये चार एलिमेंट्स हैं अपने पास ब्लड रिलेशन साइड में बना लेंगे अब बोलता है सेकेंड क्लास जो है वो एंड होती है टेन फोर्टी पे यानी कि फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास टेन पे एंड होगी टेन पे एंड हुई मतलब थर्ड क्लास कब शुरू होगी टेन पे ठीक है एफ इज द मदर ऑफ ई एंड टीचे क्लास एफ के बारे में बात कर रहे हैं एफ जो है किसकी मदर है ई e की और एफ जो क्लास पढ़ाता है पढ़ाती है वो एंड होती है 1 पे ये जो क्लास पढ़ाती है एफ एट यानी कि कहीं नीचे की क्लास होगी ओनली वन क्लास बिटवीन एक्स एंड सी एक्स और सी के बीच में सिर्फ एक ही क्लास है ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है द इकोनॉमिक्स क्लास इज शेड्यूल्ड बिफोर हिस्ट्री क्लास इकोनॉमिक्स की जो क्लास है वो किससे पहले है, हिस्ट्री की क्लास से पहले बी स्टार्ट क्लास एंडोर मिनट्स का मतलब क्या हुआ मतलब किस सेंस में आ सकते हैं? और 50 को अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा हंड्रेड तो नहीं आएगा हंड्रेड सिर्फ एक ही सेंस में आ सकता है जब दोनों लेक्चर्स कौन से हो फिफ्टी फिफ्टी मिनट्स के दोनों के जो बीच में लेक्चर्स हो वो फिफ्टी फिफ्टी मिनट्स के हो मतलब बी ने जब क्लास स्टार्ट की है बी ने जब क्लास स्टार्ट की है ठीक है और ए ने जब क्लास स्टार्ट की है यानी कि बी की क्लास का टाइम काउंट हो गया और बीच वाली क्लास का टाइम काउंट हुआ ये दोनों क्लासेस का टाइम 50 मिनट्स ईच होना चाहिए अब समझ में आया क्योंकि ए से पहले बी से बाद में ए से पहले दोनों 50 मिनट्स की क्लासेस होनी चाहिए आगे ए इज द नेफ्यू ऑफ बी ए जो है वो बी का नेफ्यू है यानी कि बी का कोई सिब्लिंग है उसका आगे बेटा कौन है ए है और ये जो पेरेंट्स होंगे मैरिड होंगे एटलीस्ट फोर सब्जेक्ट आर टॉट आफ्टर द हिस्ट्री क्लास हिस्ट्री क्लास के आ, नीचे एटलीस्ट फोर है मतलब एक दो तीन चार हिस्ट्री यहां पे आ सकता है हिस्ट्री यहां पे आ सकता है हिस्ट्री ऊपर क्यों नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर इकोनॉमिक्स आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज है किसकी हिस्ट्री की कैसी लगी पजल जिसने भी करी है फटाफट से बताओ द सन ऑफ ए टीचर्स इकोनॉमिक्स यानी कि ए भी मैरिड है और इसका एक बेटा है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है ठीक है द ओनली ब्रदर ऑफ एक्स टीचेस हिस्ट्री एक्स का इकलौता भाई एक्स का इकलौता भाई जो है ये हिस्ट्री पढ़ाता है और ये ओनली ब्रदर है एक्स का भाई हिस्ट्री पढ़ाएगा ओनली ब्रदर होगा बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एक्स बी पैटर्नल अंकल है यानी कि पापा की साइड से पापा की साइड से अंकल कौन है एक्स है अब देखो ए जो है ये इसका आ, क्या हो जाएगा पापा की साइड से पापा की साइड से बना देते हैं ये पापा हो गए ठीक है इसकी एक वाइफ भी होगी पापा की साइड से एक एक्स भी है मतलब एक्स का भाई ए हो सकता है एक्स का भाई ए हो सकता है एक्स का ओनली ब्रदर ए हो सकता है क्या और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पापा की साइड से एक्स का इकलौता भाई कौन हुआ ए हुआ ए हो गया यानी कि ए कौन पढ़ाएगा ए क्या पढ़ाएगा हिस्ट्री पढ़ाएगा और ए और बी के बीच में क्या कितने का गैप है हंड्रेड का गैप है है ना ए पढ़ाएगा हिस्ट्री हिस्ट्री को मैं यहां रखूंगी मैं बी को ऊपर नहीं रख पाऊंगी हिस्ट्री को मैंने 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 रखा रखा ठीक है ए को मैंने यहां रखा, और ऊपर किसको रख दिया बी को पचास पचास मिनट की क्लासेस मुझे चाहिए दोनों तभी मैं हंड्रेड मिनट्स पूरे कर पाऊंगी क्या यहां तक समझ में आया सबको क्या यहां तक समझ में आ गया क्या सबको बहुत अच्छी पजल है फिफ्टी मिनट्स की अगर क्लास है तो ये नौ पचास पे स्टार्ट हुई होगी नौ पचास से दस चालीस फिफ्टी मिनट्स हो गए और ये नौ पचास पे एंड हुई होगी मतलब स्टार्ट कितने बजे हुई होगी नौ बजे क्या सभी को यहां तक परफेक्टली समझ में आ गया हिस्ट्री हमने लगा दिया बी हमने लगा दिया बहुत ईजी हो जाएंगी आगे की चीजें फिफ्टी फिफ्टी कंजेक नहीं आ सकते मतलब अगली क्लास कौन से ड्यूरेशन की होगी मिनट्स की मतलब डेढ़ घंटे की दस चालीस से एक घंटा तीस मिनट और तीस मिनट और लगाओगे तो कितना बन जाएगा बारह दस यानी कि अगली क्लास हमारी बारह दस पे स्टार्ट होगी ठीक है बारह दस पे अगली क्लास स्टार्ट होगी अब उसने बोला था एफ जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो एंड होगा एक बजे वो एंड होगा एक बजे अगर मैं यहां पे रख दू मेरे को एक बजने के लिए एक इसमें बजाने के लिए कितने मिनट और चाहिए मैम पचास मिनट और एक बजाने के लिए मुझे कितने मिनट चाहिए पचास मिनट तो सिंगल पॉसिबिलिटी है एक बजाने के लिए और ये एक बजे वाली क्लास एफ की एंड होगी परफेक्टली समझ में आ गया अगली क्लास स्टार्ट होगी एक बजे ठीक है जी यहां तक बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ जाना चाहिए था तो at ends at 1 भी कर लिया हमने और हिस्ट्री के ऊपर आएगा ए का, का, का बेटा देखो बी तो नहीं हो सकता ए का बेटा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाता है कहां गया तो ए का बेटा बी तो नहीं हो सकता मतलब इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा ये वाला पर्सन ठीक है हिस्ट्री और ये भी हो गया उसके बाद एफ का बच्चा ई e है बाद में बनाते हैं एक्स teach टीच पॉलिटी एफ not टीच पॉलिटी पॉलिटी नहीं पढ़ाएगा द मदर ऑफ एक्स टीचर्स बायोलॉजी एक्स की जो माँ है एक्स की माँ मतलब ये वाला पर्सन इसको थोड़ा साइड में बना लेते हैं ठीक है एफ मदर है E की एक्स की जो माँ है बायोलॉजी पढ़ाएंगे परफेक्ट द मदर ऑफ एक्स टीचर्स बायोलॉजी सी डज नॉट टीच इधर केमिस्ट्री और फिजिक्स सी जो है ना तो केमिस्ट्री पढ़ाएगा या पढ़ाएगी ना ही फिजिक्स द हस्बैंड ऑफ डी टीचर्स ज्योग्राफी डी का हस्बैंड है ज्योग्राफी पढ़ाता है चार बजे से यानी कि चार बजे से स्टार्ट करेगा डी का हस्बैंड जोग्राफी पढ़ाएगा स्टार्ट्स एट फोर The teacher who teaches chemistry teaches for 90 minutes. अब ऊपर 90 मिनट्स कहीं खाली नहीं है केमिस्ट्री डेफिनेटली नीचे ही बनेगा. केमिस्ट्री है 90 मिनट्स पे. C is the father-in-law of F who is the wife of A. F जो है A की wife है और C इसका father-in-law है. ठीक है? तो F का बच्चा कौन था? E था. E यहाँ पे आ सकता है. सात लोग चाहिए. एक दो तीन चार पांच छः और सात. सारे parents हैं. सारे ही बच्चे हैं और यहां पे अगर आप देखोगे मेरे पास ई भी आ गया ई किस पे आ जाएगा इकोनॉमिक्स पे ठीक है इकोनॉमिक्स और एक्स के बीच में दो पर्सन हैं दो छोड़ के मैंने यहां पे डाल दिया एक्स को एक्स और सी के बीच में एक पर्सन है मैंने एक्स और सी को भी अरेंज कर दिया यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ ठीक है एक्स का जेंडर जानना एक्स का जेंडर अपन जान लेंगे ये हिस्ट्री वाला भी हो गया था सी जो है केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं आएगा हो गया केमिस्ट्री वाला 90 मिनट्स की क्लास लेगा परफेक्ट डी स्टार्ट करेगा डी का जो हस्बैंड है अब डी का, 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 का लेक्चर लेगा और स्टार्ट करेगा कितने बजे स्टार्ट सेट फोर था ना फ्रॉम फोर पी स्टार्ट करेगा चार बजे यानी कि ये क्लास चार बजे एंड होगी तो एक से लेके चार बजे के बीच में कितने घंटे आएंगे एक से लेके बजे के बीच में मैम घंटे घंटे आए तीन घंटे कैसे पूरे करोगे तीन घंटे कौन सी शर्त में पूरे कर सकते हो फिफ्टी 50 और 50. यानि कि मुझे 180 मिनट्स चाहिए 50 और नाइनटी 50 होते हैं पूरे हुए तीन घंटे पूरे जाएंगे 90 मिनट्स लगा लो, 90 -90 नहीं आ सकते लगा दो फिफ्टी फोर फिफ्टी पे क्लासेस सारी एंड हो जाएंगी और पर्सन अपने पास बचता है बी सी डी ए बी सी ए बी सी डी 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 पढ़ाएगा बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्लास होगी 90 मिनट्स की और एफ पॉलिटी नहीं पढ़ाता पॉलिटी ऊपर आ जाएगा फिजिक्स आ जाएगा एफ पे बताओ जी ये एक ऐसा क्वेश्चन था एक मात्र ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे लेवल का था टाइम ता, टेबल बेस्ड पजल्स मेरी क्लास में मोस्ट डिमांडेड पजल्स रहती हैं अगर आज आप नए आए हो यू आर वेरी लकी कि आज आपने इस पज़ल को अटैम्प्ट कर कर, कर पाया आप लोग मेरे साथ क्योंकि स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि मैम टाइम टेबल बेस्ड पजल लेकर आओ बहुत अच्छा क्वेश्चन था रीजनिंग में आइडल स्कोर मैं डेटामाइन नहीं कर सकती हूँ पेपर पर पे डिपेंड करता है बट आप ये देखा करो कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है 85 टू 90 के बीच में पर सब्जेक्ट ओवरऑल परसेंटाइल आनी चाहिए ठीक है आज तक का बेस्ट पजल अगर तुम बोल रहे हो तो, आज तक का बेस्ट पजल ये था ये तो क्वेश्चन है तुम लोग कर ही लोगे मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ एक पजल की यस दिस पजल ये एक ऐसी पजल है जो आप बोल रहे हो मैम आज तक की बेस्ट पजल थी ये पजल दिमाग के धुएं निकाल देगी दिमाग के धुएं निकाल देगी ये पजल इसको करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में ठीक है क्योंकि अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो मेरे को पक्का पता है कि आपसे गलतियां बहुत सारी होने वाली हैं आज का सेशन अपन इतना ही रखते हैं ठीक है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था दो घंटे का सेशन लूंगी आई स्वेर मैंने सोचा नहीं था कि मैं दो घंटे का सेशन आज ले पाऊंगी क्योंकि एक माइंड सेटअप नहीं था मेरा बट आई थॉट कि जब तक ले पाऊंगी जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगी तो अभी भी मेरा पूरा मन है कि मैं इस सेशन को तीन घंटा खींच दूँ मेरे पास कॉन्टेंट बहुत सारा पड़ा आगे भी बहुत सारी पजल्स पड़ी हैं कंटेंट मैं खींच सकती हूँ आगे और लेकिन मेरे पास कुछ टाइम कॉन्सट्रेट है कपिल सर के इंटरव्यूज़ हैं मॉक इंटरव्यूज़ हैं अभी ढाई बजे से तो मुझे अपनी क्लास ना चाहते हुए भी एंड करनी पड़ेगी अगर मैं चाहती तो मैं पूरी क्लास कंप्लीट करती स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जी स्क्रीनशॉट ले लो तुम ट्राई कर सकते हो घर से अगर मैं ये नहीं बोलूंगी होमवर्क करके ही आना ट्राई करने का मन करे तो कर लेना ट्राई करने का मन ना करे तो मत करना क्योंकि इसको मैं अपनी अप्रोच से बताऊंगी अगर तुम लोग ट्राई करके आओगे तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा मैं तुम्हें टाइम फिर हमारा जो टाइम है सात से आठ मिनट वाला वो थोड़ा बच जाएगा है ना अगर तुम चाहते हो तुम अपनी इसकी प्रैक्टिस कर आना बट मैं मैं अपनी अप्रोच से बताऊंगी इसको कैसे करना है परफेक्ट आई थिंक इस पजल में कुछ चेंजेस थे मैं देख लेती हूँ वो चेंजेस या नहीं हुए हैं हो गए होंगे वैसे मेरे को लगता है कर दिए थे इसके अंदर चलो मजा आया आज क्लास में सबको एक बार जाने से पहले बता दो यस yes, मैम बहुत मजा आया पता ही नहीं चला कब क्लास एंड हो गई कब क्लास स्टार्ट हुई थी आज का सेशन बहुत मक्खन की तरह निकल गया और बहुत सारी नई अप्रोचेस हम लोगों ने सीखी हैं ठीक है सीखी है तो सेशन को लाइक कर देना जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर दो यार इतना तो ही सकते हो मेरे लिए है ना इतना एफर्ट अगर मैं लगा रही हूँ तो तुम भी एक सिर्फ बटन को प्रेस तो ही सकते हो ना अगला हफ्ता ये अब से जितनी क्लासेस होंगी धुआं धुआं करेंगे हर एक टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगी आप मेरे ऊपर छोड़ दो रीजनिंग को रीजनिंग मैंने संभाला हुआ है और मैं तो मैं इतना अच्छा स्कोर दिलवा दूंगी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मतलब करवाऊंगी जो कंटेंट मैं आपको दूंगी एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैम बहुत टफ आया था एग्जाम थोड़ा भरोसा करके देखो डू यू नो गा दीजिए मजा आ गया चलो आज के लिए इतना ही एंड uh... शुक्रिया आप लोगों का आज का दिन मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स मैं क्या बोलूँ आप लोगों को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाम को दोनों क्लासेस होंगी 5:45 एंड फाउंडेशन फाउंडेशन में मैं आज पीओ मेन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट्स करवाऊंगी तो आ जाना एंड मिलते हैं फिर बाय बाय